हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं अपना छोटा सा ओवरव्यू दूंगी टेरेस गार्डन का। मेरे टेरेस में कौन कौन से फूल खिल रहे हैं, तो सबसे तो पहले मैं दिखाऊंगी डॉग फ्लावर। कितने प्यारे खिल रहे हैं, सारे के सारे मैंने वेस्ट कंटेनर में लगाए हैं और इतनी अच्छी ब्लूमिंग हो रही है ना। हमारे यहाँ कल बहुत तेज़ बारिश हुई थी, आंधी तूफान आया था और आज फिर निकली है तेज़ धूप, लेकिन इतने अच्छे खिले ना। बिल्कुल सही समय है, मैं कहूँगी मार्च का महीना, मार्च शुरू हुआ है। फेबरी और मार्च में पेटूनिया, डॉग फ्लावर बहुत सारे प्लांट हैं जो ये समय में बहुत अच्छे खिलते हैं। जहाँ तक गुलदाउदी है, वो तो मेरा स्थान बिल्कुल खाली हो चुका है, गुलदाउदी नहीं रहे, मेरीगोल्ड नहीं रहे, लेकिन ये डॉग फ्लावर बहुत प्यारे प्यारे खिले हैं। सारे के सारे मैंने सीडलिंग से ग्रो किए हैं, ऑनलाइन मैंने जो सीड मंगाए थे उनको सिर्फ छोटे छोटे कंटेनर में, कहूँगी 4 या 5 इंच का भी कंटेनर नहीं होगा, छोटे जो डब्बे आते हैं, बच्चे चॉकलेट वगैरह खाते हैं या घर का सामान आता है, उन सब में मैंने थोड़ी सी मिट्टी भरकर, बिल्कुल थोड़ी सी मिट्टी भरकर ये सारे कंटेनर में लगा दिए हैं। और आप इनकी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी हो रखी है। और ये है गुलदाउदी, वैसे मेरे गुलदाउदी है ना ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन मैंने देखा था इनको, मैंने सीड से लगाया है ऑनलाइन, जब मैंने सर्च किया, ये मैंने पहली बार ही लगाए हैं टेरेस पर, तो इसमें वाइट कलर के फूल आए हैं, बिल्कुल वाइट कलर के फूल आए हैं और भर भर के आ रहे हैं। मुझे लगा नहीं आएंगे, पर मैं सोच रही थी इनके पत्ते अलग हैं, जो मैं कटिंग से हर साल गुलदाउदी लगाती हूँ वो अलग है। और उसके बाद डेंथर, डेंथर्स में तो बहुत प्यारे कलर हैं, लेकिन इस बार ये मुझसे गलती हो गई कि मेरे पास कंटेनर कम थे तो मैंने कुछ सीडलिंग नहीं लगाई। अगली बार, अगले साल मैंने बहुत सारे डेंथर्स लगाए थे, 20 से 25 प्लांट, लेकिन इस साल मैंने 7 से 8 लगाए हैं। और ये देखिए, हम इसे बोलते हैं हमारी बेवकूफ़ी, क्योंकि विंटर में इतने सारे प्लांट्स हो गए थे ना, मैं नाम भूल चुकी थी, सीडलिंग पर मैंने स्टिकर लगाना मैं भूल गई। और ये फ्लॉक्स, और बाद में मैंने 4 या 5 प्लांट लगाए, मुझे लगा पता नहीं कौन से फूल आएंगे। और यही प्लांट है एक डॉग फ्लावर और फ्लॉक्स करके, बहुत, ये भी पहली बार टेरेस पर मैंने लगा दी। हर साल टेरेस पर मैं सीड हूँ, लेकिन कुछ उगते हैं कुछ नहीं उगते हैं, ऑनलाइन पता है कैसे सीड होते हैं। और फ्लॉक्स के करीबन 60 से 70 सीडलिंग थी जो मैंने 4-5 लगाई, मुझे बिल्कुल पता नहीं था। पेटूनिया, ये पता नहीं कौन कौन से पेटूनिया, कुछ पेटूनिया मैंने लगाए, कुछ जाने अपने आप उग गए। और इतने सारे सीडलिंग एक साथ हो जाते ना, 40 तरह की मैंने विंटर की सीडलिंग लगाई, मैंने स्टिकर भी लगाया था, लेकिन बाद में पता नहीं स्टिकर कैसे वो ख़राब हो गए, उनका नाम हट गया। नेस्टेरियम का प्लांट, यानी अभी विंटर के तो प्लांट चालू ही है हमारे यहाँ, और गर्मी में भी भर भर के फूल आ रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं आप देख सकते हैं। कुछ मैंने सदाबहार की सीडलिंग भी लगाई थी, अभी लगाई है, ये मैं आपको देखो सीडलिंग लगाई थी, अपने आप भी उग गए। हवा देखिए आप कितनी तेज लग रही है, कितने हिल रहे हैं, नाच रहे हैं। कल तो बहुत आंधी तूफान आया था, मैंने अपने टेरेस के जो भी दीवार के सारे प्लांट्स थे ना, सब भी उनको हटा दिया था, बड़े बड़े प्लांट्स थे उनको नीचे रख दिया था। तो ये है मधुकामनी आगे पर है मोगरा, मोगरा में अभी कलियाँ देखिए, इतनी तेज़ धूप और बिल्कुल मार्च का महीना है, पूरा मेरा प्लांट मोगरा का भर चुका है। और साइड में एक मधुकामनी का, दोनों इकट्ठा पड़े रहते हैं, मधुकामनी और मोगरा, तो इसमें आए हैं मधुकामनी के प्लांट में फूल और मोगरा में आ रहे हैं भर भर के कलियाँ। इनकी खुशबू इतनी मस्त होती है ना, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ही अच्छी खुशबू होती है मधुकामनी और मोगरा दोनों प्लांट में। यहाँ पर मेरे जितने भी गेंदा हैं सारे के सारे मैंने अक्टूबर के महीने में लगाए थे, सारे के सारे खाली हो चुके हैं, यानी मर चुके हैं, आप देख सकते हैं इनकी हालत। तो फिलहाल इनमें कुछ कुछ फूल आ रहे हैं, कलियां तो बिल्कुल नहीं है, फूल ही हैं, तो इन फूलों को मैं 1 हफ्ता 2 हफ्ता रहने दूंगी, जैसे सारे खाली हो जाएंगे मैं ये सारे गमले खाली कर दूँगी। मैंने और भी सीडलिंग लगाई है जो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए सीडलिंग, ये अभी छोटी छोटी सीडलिंग है, वैसे हर बार मैं मेरीगोल्ड विंटर में ही लगाती हूँ, इस बार मैं ट्राई कर रही हूँ कि गर्मी में भी मेरीगोल्ड होते हैं कि नहीं। इसके बाद बहुत प्यारा प्लांट है, मैं इसका नाम भूल गई, जैस्मिन करके दिया था मुझे कुछ, पता नहीं रात रानी करके दिया था, ऐसे कुछ दिया था, येलो कलर का, ये हमारे आप देखिए लगाया किस में है, पुराना हमारा मटका पड़ा था, ख़राब हो गया था, हल्का सा उसमें कलर कर दिया, कलर भी ऐसा ही पड़ा हुआ था घर में, और उसमें लगा दिया,
लोग बोलते हैं वेस्ट मटेरियल में लगता है कि नहीं, आप इसमें कलियां देखिए, इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं बाद में आपको बताऊंगी, लेकिन हमारे घर के बाहर जो आते हैं यानी पौधे वगैरह लेकर, उनसे मैंने 60 रुपए में लिया था, उस वक्त उसमें 2 से 3 कलियां थी, और मैंने इसकी अच्छे से मिट्टी लगा कर इसकी रिपोर्टिंग आपके सामने की है, मैंने आपको रिपोर्टिंग भी इसकी दिखाई थी, और साथ में एक ये 2 प्लान लिए थे, एक वो उन्होंने शायद रात रानी कहा था, और ये बेगम बार करके बोला था, तो बेगम बार ने मुझे बहुत बहुत फूल दिए हैं, आप ये इसकी देख सकते हैं, सूखी हुई कलियां कहें या सीड कहें मुझे पता नहीं, बेगम बार का मैंने पहली बार प्लांट देखा था घर के बाहर, तो मैंने 2 प्लांट लिए, बेगम बार ने मुझे बहुत फूल दिए हैं। गुलाब, इतनी गर्मी होने के बाद भी आप देखिए गुलाब में कलियां कर रही हैं, ये मेरा देसी गुलाब है, देसी गुलाब मेरे पास 3-4 प्लांट्स हैं जो मैंने लिए हैं, ये गर्मी में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं, तो अगर आपको ऐसा गुलाब चाहिए जो गर्मी में फ्लावरिंग करे, तो आप देसी में वाइट कलर और रेड कलर 2 कलर आते हैं, ज़रूर ये लीजिएगा। एडेनियम, एडेनियम में भी कलियाँ खिलनी शुरू हो गई है, देखिए फूल नहीं खिले हैं लेकिन कलियाँ भर भर के आ रही है, यानी जैसे जैसे विंटर के हमारे प्लांट थोड़े थोड़े करके मर रहे हैं, धीरे धीरे खलास हो रहे हैं, इक्का दुक्का ही विंटर के प्लांट्स बचे हैं, तो गर्मियों में अभी कलियाँ शुरू होना, कलियाँ शुरू हो गई है खिलना, ये मैं बोले ना इक्का दुक्का ही प्लांट बचे हैं, 1, 2, 3 ऐसे ही मैं कहूँगी, बाद में जो लग बच जाते हैं ना सीडलिंग वगैरह, तो मैंने ऐसे ही कई सालों में डाल दिए थे, छोटी छोटी थी, पता नहीं कहाँ कहाँ से सीडलिंग निकल आती है, अपने आप निकल आई है, जो जो पौधा मेरा मर रहा है उनको मैं खाली कर रही हूँ, और जो सीडलिंग देख रही हूँ अच्छी लग रही है उनको लगा रही हूँ, ये देखिए कुछ सीडलिंग मैंने कुछ दिन पहले ही लगाई थी, और अब इसमें फूल भी आ रहे हैं, किसी में आ रहे हैं किसी में नहीं आ रहे हैं, तो ये अपने आप उगने वाली सीडलिंग है, इनको मैंने लगाया नहीं था, पता नहीं कैसे के लिए जिनको मैंने लगाया उनमें से ऑलमोस्ट बहुत सारे में फूल आ भी गए, मर भी गए, और मुझे लगता है उन्हीं में से जो मर गए हैं फूल गिर गए और सीडलिंग ग्रो हो गई। धनबजिया बहुत, मैं कहूँगी हार्डी प्लांट और प्यारा प्लांट है, छोटे छोटे ब्लू कलर के धनबजिया में फूल खिलते हैं, और ये गर्मी ने बिल्कुल दस्तक दे दी है, जट्रोफा का प्लांट, गर्मी में भी अच्छी खासी ब्लूमिंग होती है, जट्रोफा कनेर बुगेनविलिया, तो अभी धीरे धीरे तो थोड़े बहुत फूल खिल रहे हैं, थोड़े खिलने बाकी हैं, तो यही हाल है मेरे टेरेस गार्डन में, खास तो फूल नहीं खिले हैं, थोड़े बहुत ही खिले हैं, नांग चपा देखते हैं फूल आए हैं कि नहीं, अभी तो बिल्कुल नहीं, कलियाँ ये देखिए मैंने कहा ना शुरुआत होने वाली है, कलियाँ 1 तो ही आई है, ज़्यादा नहीं ऊपर बहुत है, देखिए हरी 2 ही वाइट है जो खिलेंगी 2-3 दिन में, इसमें भी फूल मुझे लगता है खिल ही जाएंगे, तो इसमें भी जितने भी मेरे गर्मी के प्लांट हैं ना सब में कलियाँ आ चुकी हैं, थोड़े में मेरे पास ये कौन सा प्लांट है मैं भूल गई, बेल है शायद येलो कलर की, तो बहुत प्यारे प्यारे भी फूल खिले भी नहीं है, कलियाँ ही खिली हैं, सब प्लांट में कलियाँ धीरे धीरे आ रही हैं, यानी जैसे ही विंटर जाएगा तो मेरी पूरी तैयारी है कि गर्मियों में मुझे फूलों की कमी नहीं हो, तो अभी से मैं इनमें खाद पानी जिनकी मुझे कटिंग करनी है उनकी कटिंग कर रही हूँ, सीडलिंग लगानी है गर्मी के प्लांट की सीडलिंग लगाती हूँ, तो इस तरह हम तैयारी करते जाएंगे तो गर्मी में भी हमको अच्छे खासे फूल मिलने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाय।